निस्वार्थ सेवा वह है जहां आप अपनी खुशी के बारे में सोचे बिना दूसरों की खुशी के बारे में सोचें, जहां आप ये अपेक्षा न रखें कि बदले में हमें भी प्यार मिलेगा या बदले में मुझे प्यार क्यों नहीं मिल रहा। सेवा मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सेवा की संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है। इसी चिंतन एवं भावना को मातृभूमि सेवा मिशन सब प्रकार से चरितार्थ कर रहा है। ये उद्गार मातृभूमि सेवा मिशन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र द्वारा समाज के असहाय एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए निशुल्क संचालित मातृभूमि शिक्षा मंदिर के रामायण सदन के लोकार्पण समारोह में हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री संदीप सिंह एवं मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र ने भारत माता एवं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलन के संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मातृभूमि शिक्षा मंदिर के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि संदीप सिंह ने कहा कि आज के भौतिकतापूर्ण जीवन में परमार्थ द्वारा ही मानव जीवन को शांति एवं आनंद प्राप्त हो सकता है। अपने लिए तो जीवन में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कार्य करना ही मानव जीवन की सार्थकता है। मातृभूमि सेवा मिशन परमार्थ एवं सेवा के माध्यम से लोक मंगल एवं लोक सेवा के कार्य में समर्पित होकर राष्ट्र की महत्वपूर्ण सेवा कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र ने कहा कि समाज सेवा करना संसार के सभी मनुष्यों का नैतिक उत्तरदायित्व है। मनुष्य को सेवा को अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए हर समय यथासंभव परोपकार के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत प्राचीन काल से वसुदेव कुटुम्बकम का उपासक रहा है। सेवा का भाव व्यक्ति को जीवन में सर्वाधिक आत्म संतोष प्रदान करने के साथ साथ आत्म प्रेरणा का भाव भी जागृत करता है। उन्होंने राज्य मंत्री संदीप सिंह को खेल जगत में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए एवं भारत राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाने के लिए मातृभूमि गौरव सम्मान से विभूषित किया। मिशन के सह संयोजक एवं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजेश चौहान ने मातृभूमि सेवा मिशन की समस्त गतिविधियों एवं आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अपने स्वैच्छिक कोष से 5 लाख रूपये का अनुदान देने की घोषणा की। कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव यशपाल, झांसा से सरपंच पुनीतमल जसूजा, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य सतीश कौशिक, वीरेंद्र गोलन, कुरुक्षेत्र संस्कृत वेद विद्यालय से आचार्य नरेश कौशिक, डॉक्टर आशुतोष वशिष्ठ, गुरप्रीत सिंह, मास्टर बाबूराम, रवि पवार, अशोक वर्मा, रमन कम्बोज सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। मिशन को पूरा करने वाले हमारे डॉक्टर साहब, सभी साहब और संत महापुरुष सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। लोगों ने मुझे यहाँ इस मिशन सेवा मिशन में बुलाया, बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से आप नोबल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आज के युग में हर इंसान को ये होता है कि मैं अपने लिए कुछ करूं, मैं बन जाऊं, मैं ये खाना खा लूं, ये गाड़ी मुझे मिल जाए, ये बंगला मेरा हो जाए, मैं कैसे आगे बढ़ूं। हर इंसान के अंदर मैं होती है, लेकिन जब हम किसी के लिए सोचना शुरू कर देते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनको हम जिंदगी में कभी मिले ही नहीं, जिनको हम कभी सोचा ही नहीं है कि वो कैसी परिस्थितियों से निकलकर उनका परिवार या उनका जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए जब हम कुछ करते हैं तो देखो उससे कोई आपको लाभ नहीं होता है, उससे सुकून मिलता है। लाभ नहीं होता है, सुकून मिलता है। और इस जीवन में आज की जो स्थिति है उसमें सुकून मिलना बहुत मुश्किल है। उपस्थित है जो लोग आज नहीं उपस्थित है, सब की ओर से आपका तहे दिल से बार बार जो है आभार। आज इस कार्यक्रम में हमारे गुरु भाई आदरणीय आचार्य सतीश कौशिक जी, हमारे झांसा के सरपंच आदरणीय पुनीत जी, जो सब लोग पूरे समय से आश्रम से पुराने समय से सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे इस आश्रम के सह संयोजक आदरणीय डॉक्टर राजेश चौहान जी जो विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के बीआरओ हैं, हमारे आचार्य नरेश कौशिक जी जिनके नेतृत्व में आज ये सारा कार्यक्रम चला, हमारे शिक्षक बाबूराम जी, वीरेंद्र जी, आशुतोष जी, हमारे विकास जी, ऐसे उपस्थित हमारे पूरे आश्रम के जो परिवार के जो सदस्य उपस्थित हैं, सबका अनुरोध रहे हृदय से यहाँ मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम को बनाने में हमारे आश्रम के सभी कार्यकर्ता शमशेर जी, गुरप्रीत जी, सारे विद्यार्थी जिन्होंने सारा पूरा तन मन से लगा करके कई दिन से सारी तैयारी चल रही थी,
और आज का जो कार्यक्रम था वो माँ पीताम्बरा को समर्पित था। आज का दिन हमारे लिए आज का एक ऐतिहासिक दिन है। आज देश में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ बेहतर हुआ है और इस देश का जो विकास है उसकी आज की आशा का एक बहुत